भाई आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर 8 पास है, आप इंडियन आर्मी ट्रेडमैन का भर्ती देखना चाहते हो तो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। देखो काफ़ी दिनों से कुछ भाई कमेंट भी कर रहे थे कि भाई 8 पास वाले को वर्दी मिलती है या नहीं मिलती है, हाइट कितना लगता है, वेट कितना लगता है, चेस्ट कितना लगता है। तो देखो यार, इसमें हाइट जैसे राज्य वाइज नापा जाता है, अब पता नहीं आपका राज्य कौन सा है। इस वीडियो में आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो जो भाई पूरा वीडियो नहीं देखेगा वो बार बार कमेंट करता रहेगा। देखो इंडियन आर्मी ट्रेडमैन की भर्ती 10 पास से भी होती है और 8 पास से भी होती है। तो 10 पास में बहुत सारा ट्रेड आता है लेकिन 8 पास में सिर्फ दो ही ट्रेड आता है। कौन कौन सा ट्रेड आता है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, सारे भाइयों को पता ही नहीं होगा लेकिन मैं अच्छे से जब नोटिफिकेशन देखा हूँ ना तब मुझे पता चला है। देखो इंडियन आर्मी जीडी में 10 पास मांगता है और वो भी 45% होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33% से अधिक होना चाहिए। लेकिन इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में जैसे बस हर सब्जेक्ट में 33% से अधिक होना चाहिए। आप 10-40% से पास रहोगे तभी भी ट्रेडमैन में काम चल जाएगा। और ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, मैं नोटिफिकेशन पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग भी अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर आप अपने दिमाग से ये भेदभाव निकाल देना कि भाई हमारे गाँव का लड़का तो इंडियन आर्मी जीडी में भर्ती हुआ है, उसका वर्दी दूसरे जैसे रहेगा। अगर हम 8 पास से इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में भर्ती हो भी जा रहे हैं तो हमारा वर्दी दूसरे जैसा मिलेगा और हम जब वर्दी पहनकर छुट्टी पर अपने गांव आएंगे तो हमको दूसरे नजर से देखा जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, जो 10 पास से जीडी में भर्ती होगा उसको भी वैसे ही देखा जाएगा और जो 8 पास से भर्ती होगा उसको भी वैसे ही देखा जाएगा। आप बस वहां पर जैसे जीडी ट्रेडमैन कहलाओगे, जब अपने गांव आओगे ना तो इंडियन आर्मी के नाम से ही बुलाए जाओगे। देखो अगर आप जैसे इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में 10 पास से भर्ती होंगे तो आप थोड़ा उच्च लेवल के होंगे और जब 8 पास से भर्ती होंगे तो उससे थोड़ा नीचे लेवल के होंगे, ठीक है ना। 10 पास वाले में बहुत सारा ट्रेड आता है लेकिन 8 पास वाले में सिर्फ दो ही ट्रेड आता है, एक होता है मेस कीपर का और एक होता है हाउस कीपर का। आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना, ठीक है ना। देखो अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वहां पर सभी लोगों को लड़ने के लिए भेजा जाता है, सभी लोगों को बॉर्डर पर रखा जाता है। भाई वहां पर भी पेंटिंग का काम होता है, ठीक है ना, वहां पर भी खाना बनाया जाता है, वहां पर भी कपड़े धोने का काम होता है, बाल काटने का काम होता है, जानवरों को जैसे देखभाल करने का काम होता है, बैंड बाजा बजाने का काम होता है। इंडियन आर्मी के अंदर ये सारा का सारा काम होता है जिस तरह हम अपने गांव में करते हैं, अपने घर करते हैं ना, सेम उसी तरह वहां पर भी होता है। तो इन सब जैसे लोगों का वहां पर काम पड़ता है ना, उन्हीं लोगों के लिए ट्रेडमैन की भर्ती कराई जाती है, दिमाग में बैठा लेना। अब ये नहीं सोचना कि भाई हम वहां पर कपड़ा धोने थोड़ी के जाएंगे, पेंटिंग करने थोड़ी के जाएंगे, वहां जानवरों को देखभाल करने थोड़ी के जाएंगे। भाई ये सब दिमाग से निकाल देना, ठीक है ना। जितने लोग भी भर्ती हो चुके हैं यही सब काम करते हैं, जिन लोगों का जहां पर ड्यूटी रहता है वो लोग मतलब वैसा ही काम करते हैं और वहीं पर काम करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 100 रुपया दे के किसी भी स्कूल से 8 पास का मार्कशीट बनवा के इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में ऑनलाइन कराकर भर्ती देखने चले जाएं। देखो आपका 100 रुपये में 8 पास का मार्कशीट भी बन जाएगा और ऑनलाइन भी हो जाएगा, आप भर्ती भी देखने चले जाओगे। लेकिन जब आप दौड़ निकाल दोगे, मेडिकल फिट हो जाओगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान में रखना, 8 पास वाले मार्कशीट पर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आपका सिग्नेचर होना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आपका पूरा का पूरा डाटा फिट रहता है। दूसरा नंबर, अगर आप 8 पास से भर्ती देख रहे हो तो आप अनमैरिड होना चाहिए, जैसे आपका शादी विवाह नहीं होना चाहिए, ये भी दिमाग में बैठा लेना। और अनमैरिड सर्टिफिकेट भी बनता है, वो आपके गाँव के प्रधान से बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें उम्र कितना मांगता है, तो ट्रेडमैन में 17.5 साल से लेकर आपका 23 साल तक एज होना चाहिए, ठीक है ना, ये दिमाग में बैठा लेना। अब बात कर लेते हैं जैसे मान लो इसमें दौड़ किस तरह कराया जाता है, तो भाई इंडियन आर्मी जीडी में 1600 मीटर का दौड़ कराया जाता है ना, सेम उसी तरह इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में भी 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा। और इसमें भी दो ग्रुप बनता है, एक फर्स्ट ग्रुप बनता है और एक सेकेंड ग्रुप बनता है। फर्स्ट ग्रुप में अगर आप एक्सीलेंट मारोगे तो आपको जैसे 60 नंबर मिलेगा, अगर आप जैसे सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारोगे तो आपको 48 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जैसे दौड़ होने के बाद आपका पुलअप्स कराया जाएगा, बीम खिंचाया जाएगा, तो बीम आपका 10 खींचा जाता है और एक बीम पर कितना नंबर मिलता है अभी मैं आप लोगों को नीचे बता दे रहा हूं। इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में कितना हाइट लगता है इसको लेकर बहुत सारे भाई परेशान रहते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताया हूं ना राज्य वाइज इसमें हाइट लगता है, तो आपके राज्य में कितना हाइट लगता है वो सारी चीजें आप लोग खुद देख लो, सभी राज्यों का हाइट मैं बताऊंगा, अच्छे से देखना, ठीक है ना। देखो जम्मू एंड
कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, उत्तराखंड के लिए हाइट 166 सेंटीमीटर लगेगा और वजन 48 केजी होना चाहिए और आपका सीना जैसे नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल रीजन, वेस्ट बंगाल, और यहाँ दिया है गंगटोक, दार्जिलिंग एंड कालिमपोंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है जो कोष्टक में दिया है। तो इतने राज्य के लोगों का हाइट 160 सेंटीमीटर लगेगा और वजन 48 केजी लगेगा और उनका सीना 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लेना, सबसे कम हाइट मतलब इन्हीं लोगों का लगेगा। अब बात कर लेते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और मेरठ एंड आगरा डिवीजन। इतने राज्य के लोगों का हाइट 170 सेंटीमीटर लगेगा और वजन 50 केजी चाहिए और सीना 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ देखो दिया है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा। इन लोगों का हाइट 169 सेंटीमीटर लगेगा। अब इस बात को ध्यान से देखना, यहाँ दिया है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का हाइट 170 सेंटीमीटर और यहाँ दे दिया है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का हाइट 169 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग अच्छे से देखना, इतने राज्य के लोगों का हाइट 169 सेंटीमीटर लगेगा, वजन 50 किलो लगेगा और जैसे नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप। इतने राज्य के लोगों का हाइट 168 सेंटीमीटर लगेगा, वजन 50 केजी लगेगा और जैसे सीना 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड पांडुचेरी। इतने राज्य के लोगों का हाइट 166 सेंटीमीटर मांगता है और वजन 50 केजी और जैसे सीना आपका 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है ना। और जितने भी भाई पुलअप्स को लेकर कंफ्यूजन में रहते हो तो आपको कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 बीम मारोगे तो आपको 40 नंबर मिलेगा, अगर 9 बीम मारोगे तो आपको 33 नंबर मिलेगा, अगर 8 बीम मारोगे तो आपको 27 नंबर मिलेगा, अगर 7 बीम मारोगे तो आपको 21 नंबर मिलेगा और 6 बीम मारोगे तो आपको 16 नंबर मिलेगा, अगर 5 मार दोगे तो हो सकता है फेल हो जाओगे, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखा होगा उसको सब कुछ समझ आ गया होगा, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में कितना हाइट लगता है, कितना वेट लगता है, कितना चेस्ट लगता है, कितना दौड़ होता है और कितने बीम पर कितना नंबर मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और देखो एक बात और है, कुछ भाई इंडियन आर्मी ENA के बारे में पूछ रहे थे, तो भाई ENA में कोई TOD लागू नहीं हुआ है। अगर आप ENA में सिलेक्शन ले रहे हो, चाहे इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में सिलेक्शन ले रहे हो, चाहे इंडियन आर्मी क्लर्क में सिलेक्शन ले रहे हो और जब वर्दी पहनकर वापस अपने गाँव आओगे ना, तो आपको ट्रेडमैन के नाम से, ENA के नाम से, GD के नाम से नहीं बुलाया जाएगा, आपको सिर्फ इंडियन आर्मी के नाम से बुलाया जाएगा, अग्निवीर के नाम से बुलाया जाएगा। जो इज्जत जैसे ENA वालों को मिलेगी, वही इज्जत ट्रेडमैन वालों को भी गांव में मिलेगी, ठीक है ना। जो कुछ भी होगा वो वहीं पर आपका कराया जाएगा, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ENA में TOD लागू नहीं हुआ है तो ENA को अग्निवीर भी नहीं बोला जाएगा। और देखो जितने लोग ENA की तैयारी करना चाहते हैं, ENA के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, तो 10 पास से काम नहीं चलेगा, ENA में भर्ती होने के लिए 12 पास होना चाहिए, वो भी बायोलॉजी से, और आपका हाइट उतना ही लगेगा जितना इंडियन आर्मी GD में लगता है, ठीक है ना। उस पर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वाला वीडियो देख लेना, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप देखते हैं जैसे ENA की भर्ती किस तरह से कराई जाती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये है ना कि हम अपने ARO में GD में भी ऑनलाइन करा लें और ENA में भी ऑनलाइन करा लें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है मेरे भाई। अभी वेट करते हैं, देखते हैं, जो कुछ भी होगा सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, कुछ देखो मैं जब ब्लॉग बनाता हूँ तो कुछ लोगों के अंदर पहला नंबर तो वो सपोर्ट करने वाले नहीं होते हैं, जो सपोर्ट करने वाला नहीं होता है वही फालतू कमेंट करता है। मेरे भाई मैं तुम लोगों के लिए वीडियो ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं, मेरे खेती बाड़ी को अच्छे से देखना पसंद करते हैं ना, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ब्लॉग बनाता हूँ। तो जलने वाले थोड़ा दूर रहें, ठीक है ना। बहुत सारे भाइयों को हमारे वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है और ये नॉलेज वैसे नहीं मिलता है मेरे भाई, मैं भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक स्टडी करता हूँ, उसके बारे में अच्छे से देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जानकारी लेता हूँ, तब मैं इकट्ठा करके आप लोगों को बता देता हूँ, इतना आसानी से नहीं बताता हूँ, ठीक है ना। ठीक है भाई, जब ऐसे सपोर्ट करोगे ना तो जलने वालों की जलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।